मिशन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट इम्प्रेशन एंड डेमो, जो कि है न्यूली लॉन्च फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो फेशियल किट के बारे में। गाइस, ये किट काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की है, 149 रुपीज़ की ये किट है। एंड इसमें 5 प्रोडक्ट दिए गए हैं आप जिससे अपने फेशियल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड ईच जो प्रोडक्ट है वो 8 ग्राम का है, तो ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। आप इस किट को अगर यूज़ करते हैं सही तरीके से तो आप 2 बार इससे फेशियल कर सकते हैं। ये फेशियल आपको 78 रुपीज़ अप्रॉक्स पड़ेगा अगर आप इससे फेशियल करते हैं। गाइज, अगर क्लेम की बात करें तो ये क्लेम करता है इंस्टेंट ग्लो का। एंड इसमें नो ब्लीच, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड रिवील्स इंस्टेंट ग्लो, मतलब कि इसमें कोई ब्लीच नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और इंस्टेंट ग्लो देता है। अब मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। गाइज, इसमें कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं दी गई है, जो कि मुझे इसका ड्रॉबैक लगा। एंड इसकी पैकेजिंग की बात करें गाइज, तो ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। अंदर कुछ इस तरीके की किट है एंड इसमें 5 पीस दिए गए हैं, 5 प्रोडक्ट दिए गए हैं, जो कि फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश है जो कि 8 ग्राम का है, फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो स्क्रब है वो भी 8 ग्राम का है, फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो पैक, फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो मसाज क्रीम, फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो मॉइस्चराइज़र। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कुछ प्रोडक्ट इसके ट्यूब में दिए गए हैं जिससे कि प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा और आप इसको सेकेंड टाइम यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ यूज़ गाइज, डायरेक्शन ऑफ यूज़ जैसा है इसका, मैं स्टेप बाई स्टेप आपको करके दिखाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आ रही है इसकी डेमो की, मैं ये फेशियल अपने फेस पे करके दिखाऊंगी। उससे पहले गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जस्ट बगल में लगा हुआ है बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी है प्रोडक्ट्स रिलेटेड या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबकी हेल्प करूँगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। स्टेप 1 है फेस को वॉश करना। एंड इसमें दिया गया है एक नॉर्मल सा फेस वॉश, मैं उसको एक नॉर्मल जैसे फेस वॉश यूज़ किए जाते हैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ एज इट इज़। आपको भी इसी तरीके से यूज़ करना है। एंड अब मैं वाटर स्प्रे कर रही हूँ। स्टेप है स्क्रबिंग। एंड इसके लिए दिया गया है एक अच्छा सा स्क्रब। इसके ग्रैनुल्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, मतलब कि आपके फेस में हार्ड नहीं लगेंगे। मैं इसको लगा ले रही हूँ अपने फेस पे एंड वाटर डाल के मैं जेंटली मसाज करूँगी। स्क्रबिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत जेंटली मसाज करना है, अगर आप हार्ड करोगे तो आपके फेस में रेडनेस आ जाएगी। स्टेप 3 है मसाजिंग। उसके लिए दी गई है क्रीम जो कि एक पाउच में दी गई है और आप एक नॉर्मल अमाउंट में निकाल सकते हैं क्रीम को और उसके बाद पाउच को फोल्ड करके रख सकते हैं ताकि आप सेकेंड टाइम इसको यूज़ कर लें। एंड गाइस, इसको आपको मसाज करना है जब तक कि ये आपके फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक आप जेंटली मसाज करते रहें। आपको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है ताकि जो आपका फेस में लूज स्किन हो गई है वो टाइट हो। अगर आप नीचे की तरफ करेंगे तो फेस और लूज होने लगेगा।
फोर्थ स्टेप है फेस मास्क, फेस पैक जो कि दिया गया है ट्यूब में, एंड ये रेडी टू यूज़ फेस पैक है। इसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है, आप अपनी नेक पे भी लगा लें। और इसको मैंने 10 से 15 मिनट छोड़ दिया है ड्राई होने के लिए, उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। अब लास्ट स्टेप है ग्लो सीरम, जो कि जिस पे लिखा हुआ है फिफ्थ स्टेप। एंड गाइज, ये कोई सीरम नहीं है, ये क्रीम है। इसको आप जेंटली मसाज कर सकते हैं और जब ये एब्जॉर्ब हो जाए उसको छोड़ देना है एज इट इज़। आप जब फेशियल करें तो 24 घंटे तक का अपने फेस पे कोई और प्रोडक्ट यूज़ ना करें, ताकि जो प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हैं वो अच्छे से काम कर सके आपकी स्किन पे। आप 24 घंटे के बाद ही कोई फेस वॉश लगाएं। सो गाइज, फेशियल कंप्लीट हो गया है, एंड फेशियल का जो रिज़ल्ट होता है वो 2 से 3 दिन बाद हमारे फेस पे नज़र आता है। ये था फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो होम फेशियल किट के फर्स्ट इम्प्रेशन एंड डेमो। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो इसके बारे में पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा रेड बटन को प्रेस करके। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।